एक वीडियो मेरे फ्रेंड ने फॉरवर्ड किया था जिसमें पीएम जनता को कोस रहा था कि सिर्फ 3-5% लोग ही टैक्स देते हैं। बोल रहा था 1.5 करोड़ लोगों ने कार खरीदी पिछले साल और 3 करोड़ लोग फॉरेन में घूमने गए और सिर्फ 2-3% या 5% लोगों ने टैक्स दिया। तो बोल रहा था लोग इतने नीच है, 135 करोड़ में 2-3 या 4-5 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया, ऐसा बोल रहा था। तो ये जो प्लेन से घूमता है, कार से घूमता है, कैमरामैन लेके घूमता है, 30-30 करोड़ रुपया पर डे इसका ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो किधर से आता है? ये कुछ जॉब भी तो नहीं करता है, काम धंधा तो है नहीं, सिर्फ कपड़ा पहन के फोटो शूट करता है। और ये मंदिर में जाता है फोटो शूटिंग करता है, उधर स्कूल में जाता है, तो उसका खर्चा किधर से आता है? तो ये कैसा है, सब कुछ करके अनथैंकफुल रहते हैं ना, वैसे टाइप लोग बाद में बोलेंगे तूने कुछ दिया ही नहीं। जैसे पप्पा का खेत बेच के, पप्पा का जमीन जायदाद बेच के बाद में पप्पा को ही गाली डालने की कि पप्पा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उस टाइप का है ही है। तो ये जो बोल रहा था 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ इतने 5 करोड़ या 10 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो बेसिकली आधा तो लेडीज लोग हैं जो कुछ भी काम नहीं करता है, घर पे हाउसवाइफ है, और बहुत सारे टीनेजर्स है, बेबीज है, और मतलब 1 साल के 2 साल के 3 साल के 5 साल के 10 साल के ये लोग भी है जो कुछ काम नहीं करते। तो ये लोग टैक्स कहाँ से देंगे? वर्किंग पॉपुलेशन 30-35% है, बाकी सब बच्चे बूढ़े औरतें हैं जिनका कुछ इनकम ही नहीं है, उनको भी इसने गिनती में मतलब स्टैटिस्टिक्स अपने हिसाब से दिखाता है लोगों को नीच दिखाने के लिए कि लोग कितने कुत्ते कमीने हैं टैक्स नहीं देते। अभी 1.5 करोड़ लोगों ने कार खरीदी तो 28% या 30% जीएसटी भी दिया, और ये इंश्योरेंस उसमें भी जीएसटी, और क्या वो पेपर रजिस्ट्रेशन उसमें भी तो सरकार का रेवेन्यू है, तो जीएसटी 1.5 करोड़ लोगों ने जीएसटी भरा, वो दिख नहीं रहा है उसको। सो ये लोग अपने हिसाब से स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। तो बच्चे बूढ़े औरतें वो कैलकुलेट किया है वर्किंग पॉपुलेशन में, प्लस बहुत कम लोग हैं जिनका मंथली इनकम 25-30 हज़ार रुपये के ऊपर है, 5 लाख के ऊपर है, मतलब 5 लाख का क्राइटेरिया, 50 हज़ार रुपया के ऊपर मंथली इनकम बहुत कम लोगों का है, तो वो तो टैक्स पेमेंट में आते ही नहीं। तो ये कैसा है मालूम है, सब पब्लिक के ऊपर नाम डालो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पब्लिक गाड़ी चलाता है, वेस्ट करता है, प्लास्टिक यूज़ करता है, और ये सब पब्लिक का एनर्जी कंजम्पशन पे नाम डालो, और जैसे पहला जो सीएम था शिवसेना वाला, वो बोलता था लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते इसलिए केसेस बढ़ रहे, अभी पुलिस भेज के सबको ज़बरदस्ती प्रोटोकॉल फॉलो करने लगा है, फिर भी इसको ऑर्डर आता है केसेस बढ़ाओ, तो फिर पब्लिक पे नाम डालता है कि पब्लिक फॉलो नहीं करता है, चड्डी नहीं पहनता है मुँह पे, इसलिए केसेस बढ़ रहा है। तो ये है चीज़, पब्लिक को चूसो, बर्बाद करो, और फिर पब्लिक के ऊपर ही नाम डालो कि तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुमने किया तुमने किया, जबकि ये लोग जानबूझ के लोगों की आर्थिक हालत भी खराब कर रहे हैं, और फिर बोल रहे टैक्स ही नहीं देते लोग, कितने नीचे, जीएसटी पे जीएसटी बढ़ा रहा है, सब चीज़ महंगा कर रहा है।
मेरे कितने सारे लोगों ने, दोस्तों ने शराब छोड़ दी बिकॉज दे कैनॉट, नो लॉन्गर कैन अफोर्ड डेली ड्रिंकिंग. छोड़ ही दिया मतलब घर पे भी बैठ के पीते नहीं है या साइड में खोपचे में पीते नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है. सैलरी 50,000-60,000 1,00,000 के आसपास, मतलब 50,000 से 1,00,000 के आसपास है. कुछ कुछ है 3,00,000-5,00,000 के आसपास, बट मेजॉरिटी 50 से 1,00,000. तो रोज का 1,000-1,500 बार में जाता है, दे कैन नॉट अफोर्ड, तो छोड़ ही दिया. जो पहले डेली बैठते थे अभी बैठते ही नहीं है बहुत सारे, और कुछ लोग कभी कभी रेयरली बैठते हैं क्योंकि दे नो लॉन्गर कैन अफोर्ड डेली ड्रिंकिंग, क्योंकि वो लोग का आर्थिक हालत खराब हो गया है या इनकम उतना ही है, महंगाई बढ़ गया. तो ये बोलता है टैक्स नहीं देते लोग, कमाएंगे तो देंगे ना टैक्स, कुछ बचना तो मांगता है पैसा टैक्स देने के लिए. सब ये इनका बोलने का ऐसा है कि तुम 24 घंटा काम करो, मेहनत करो और सारे पैसे मुझे दो ऐश करने के लिए. अभी GST बिरयानी वाले को भी लगाया था, ऐसा न्यूज़ पढ़ा था मैंने. वो गूगल पे से पेमेंट एक्सेप्ट करता था, बिरयानी 100 रुपये का एक प्लेट जाता है. मैंने देखा है बिरयानी वाले का अच्छा धंधा रहता है, ऐसा टोप लेके आता है, छोटा छोटा गाला रहता है, बट बिरयानी उसका काफ़ी टेस्टी रहता है और अच्छा खासा बिकता है. तो पकड़ रोज का 150-200 बिरयानी बेचता रहेगा, तो रोज का वो लोग का 5-10 हज़ार का गल्ला रहता है. तो उनके पीछे भी GST वाले लग गए थे, क्योंकि जीपे से पेमेंट आता था खाते में, कैश तो कोई देता नहीं है, तो ट्रैक हो गया था, उनके पीछे भी लग गए थे. तो कमाने देना पैसा, कमाने नहीं देता पैसा, और उसको पैसे का चूना तो लगा ही रहेगा. एक बार ये लोग पीछे पड़ गए, कुछ ना कुछ पैसा तो निकालेंगे, वैसा छोड़ेंगे नहीं. ऐसा लोगों को जबरन पकड़ पकड़ के गरीब बनाया जा रहा है, और ये बोलता है लोग टैक्स नहीं देते.